क्या तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? किया! बेल आइकन को प्रेस किया? किया! दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो काफी हालातों से गुजर कर दिल्ली पहुंचा है, यानी कि हम। सच में मैं नहीं मानता ये सब। अरे बोल रहे तो हुआ होगा ना। अरे जिस बंदे की मूंछों में ट्यूस नहीं है उसकी कहानी में क्या ट्यूस होगा। हम दिल्ली 5 साल पहले ही आए। रुक, शुरू से बताना। उस दिन काफी बारिश हो रही थी, चारों तरफ काले बादल। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। साल था 1999 और हम पैदा हो गए। ओए पागल वागल है क्या? यहाँ कैसे आया ये बता। ओके समझ गया। अच्छा वो बिल्कुल शुरू से नहीं बोला, वरना ये आज मानवर से शुरू कर रहा। इतना हमको भी पता है। हमें लगा तुम लोग हमारे बचपन में इंटरेस्टेड हो। बचपन सबको अपना ही अच्छा लगता है, दूसरे का नहीं। इंटर करने के बाद हमने सोचा कि समस्तीपुर हमारे लिए सस्तीपुर हो चुका है, तो अब किसी महंगी जगह जाएंगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो अपने पैरों पे कैसे खड़े होते हैं? इसके लिए तो 4 पैर होने चाहिए ना। आगे वाले पैर पीछे वाले पैरों पे रख लो, लोगे खड़े हो अपने पैरों पे। अगर हमें पता होता कि यहाँ के ऐसे इंसान मिलेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं आते। वो इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहा था, तो यही बोलना चाहिए था ना। अच्छा छोड़, फिर क्या हुआ? दिल्ली आ गए, फिर हमने सोचा यहाँ से हम स्नातक भी कर सकते हैं। कौन सा नाटक? अबे स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, तो यही बोलना चाहिए था। दिल्ली तक आने में हमें 3 दिन लग गए। 3 दिन तो लग ही जाते हैं इतना दूर जो है। अरे वैसे नहीं, उस हिसाब से तो फिर हमें 6 दिन लगते। फिर घर से निकलने में हमें 2 दिन लग गए। सुबह जल्दी उठने में मौत आती थी और दिल्ली की ट्रेन 6 बजे की थी। एक दिन हिम्मत करके 5 बजे उठे, सारा सामान पैक किया, बाहर आए और ये क्या, पूरा परिवार 5:30 बजे उठ के बैठा हुआ है। पता नहीं ये लोग इतनी जल्दी उठ के क्या करते हैं। ये तो तू खुद ही पूछ लेता। हमारे पिताजी धीरे से हमारे पास आए, काफी रुला देने वाला पल था वो। और गले लगा लिया भाई, ये हुआ ना तो इस नहीं, सर पे हाथ रखा, एक ही बात है, और कस के हमारे बाल पकड़े और बोले हरामखोर, वैसे तू 7 बजे उठता है, भागने के लिए इतनी जल्दी उठ गया। हमारी चीख निकल गई। अच्छा हुआ बस चीख ही निकली। पर हृदय परिवर्तन ही संसार का नियम है। हृदय परिवर्तन? हाँ उनका हो गया। और फिर आने दिया? उस बात के लिए नहीं, वो हमें कूटने वाले थे। फिर बोले अगर जाना ही है तो ना के जा। चलो ये तो अच्छा किया। खाक अच्छा किया। सुबह जनवरी की ठंड में हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ा। हमारी आत्मा शरीर से निकल के पहले स्टेशन पे चलेगी, मृत शरीर वहीं पड़ा रहा। वो तो शुक्र है दादी का जिन्होंने आग जला दी। दादी हमेशा काम आती है। अबे गद्दों में आग लगा दी, साथ में 2 खाट और जला दी बुढ़िया ने। पर उसकी गर्मी से हमारा मृत और ठंडा शरीर जीवित हुआ। पिताजी बोले कि पहली बार तुम भागने की खातिर इतनी जल्दी उठे हो, तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और जा रहे हो तो कुछ बन के ही आना। उनकी इस बात को हमने बहुत सीरियसली ले लिया और अभी तक ले रखा है। फिर आगे क्या हुआ? ट्रेन चल पड़ी थी, जाना हमें दिल्ली था और हमारे साथ 3 लौंडे और भाग रहे थे। फिर फाइनली 2 लोग ट्रेन में चढ़े और हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रह गए। फिर अगले दिन हम स्टेशन के लिए 1 ही लौंडे के साथ निकले। हम बाकी के 2 क्यों ही आएंगे ऐसी हरकत के बाद? नहीं वो उस ट्रेन से सीधा दिल्ली आ गए। और एक सेटल हो गए। अबे तू कब आएगा? हम भी भागते भागते पूरे जोश के साथ ट्रेन में चढ़ गए। टीटी आया, बहस हुई, किस्मत बदलने गए थे, अपना होलिया बदलवा के अगले स्टेशन पे उतरना पड़ गया। उस दिन एक बात समझ में आई कि टीटी से बहस नहीं करनी चाहिए। हाँ वो भी है, पर ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट भी लेना चाहिए। कई बार थप्पड़ खाने पर अकल आती है। उसके बाद वापस घर? नहीं, उसके बाद हम टिकट लेकर जल्दबाजी में एक ट्रेन में चढ़ गए। जब भी मैंने टीटी से पूछा ये ट्रेन कहाँ जाएगी, फिर उसने कहा नारे इंदपुरे नारकट्टा। क्या? उसने कहा ये जनरल की टिकट है, स्लीपर में क्या कर रहा है? वो साउथ से था ना। फाइनली अगले दिन हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर हमने सबसे पहले वही किया जो हमारे गांव के बाकी लौंडे आके करते हैं। क्या? हाँ जी सर, ठीक है सर, वो दोनों भी यही है। क्या हुआ? सर क्लास लेने आ रहे हैं, उनको कहीं जाना होगा तो 2 घंटे पहले ही आ रहे हैं। अरे हमारी स्टोरी पूरी नहीं हुई अभी। वो तो मरने पे पूरी होगी, कल सुनते ना, अभी क्लास ले लेते हैं। ठीक है भाई।